ज़फ़र साहब, जो ऑक्शन हुआ है, देखा आपने कल से आज तक, जिस तरह से प्राइस लग रही है, जिस तरह से उत्साह लोग प्लेयर्स में भी है और ऑर्गेनाइज़र में भी है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा ऑक्शन चल रहा है और ख़ास तौर पे जो पिछला प्रीम हॉकी लीग हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भाव बहुत ज़्यादा थे और इस बार जो ट्रेंड देख रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों का भाव ज़्यादा है, यानी अगर 10 में से टॉप के 10 हैं तो 8-7 हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं। तो ये लगता है कि जो बायर हैं हमारे यहाँ के, उनको अपने टीम के लड़कों पे और अपने हिंदुस्तान के खिलाड़ियों पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। तो ये बड़े खुशी की बात है कि हम लोग भी की सोच में भी बदलाव आया कि हम ये समझ रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो बाहर के देशों के खिलाड़ियों से भी अच्छे हैं, इसीलिए वो अच्छे दामों में उनको ख़रीद रहे हैं। जी, अच्छा, यही समझना चाहता हूँ ये बदलाव कैसे आया। हमेशा मैंने देखा विदेशियों पे ज़्यादा फोकस होता था, उनको पैसे ज़्यादा मिलते थे, लेकिन अब हमारे इंडियन को ये बदलाव कैसे? अब हमारे अपने टीम के लड़कों पर भरोसा है हिंदुस्तान के लोगों का, क्योंकि वो समझते हैं कि जब हिंदुस्तान की टीम अच्छा खेल सकती है तो हमारे लड़के भी अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो एक हमारे लड़कों में ये है कि उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा और उससे जो नए लड़के हैं जो आप उभर के आ रहे हैं उनको भी लगेगा कि भाई अब हमें भी आगे अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हमें भी काफ़ी यानी दाम में लोग खरीदेंगे। तो वो एक एक इंडिकेशन है। बहरहाल वो तो एक अलग बात है, मगर मैं ये सब कह रहा चाह रहा था, हॉकी इंडिया के लीग का रिवाइवल एक बहुत बड़ा काम था जो हॉकी इंडिया ने किया है ये 7 गैप के बाद। और मेरा भी लक्ष्य यही था कि हम किसी तरीके से हॉकी को रिवाइव करें, ये लीग को, तो उस लीग से बड़ा फ़ायदा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि दिलीप टिर्की, भोलेनाथ जी, श्रीवास्तव जी हैं, शेखर साहब हैं, ये सब मिल के इन्होंने बड़ी मेहनत की और 8 टीमें और फिर लड़कियों का साथ साथ यानी उठना। लड़कियों में भी देखिए रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे सोसाइटी की वजह से, मगर स्टिल हमारी लड़कियाँ जो है खेलती हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका भी लीग है। अब वो फाइनेंशियल उनको भी असिस्टेंस मिले, स्ट्रांग होंगी। गांव की लड़कियां होती हैं और बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होती, तो कुछ मिलेगा तो उनके माँ बाप भी चाहेंगे। इट इज़ अ मोर लाइक कि आप स्पोर्ट्स से आप कमा भी सकते हैं, जो पहले ज़माने में नहीं था, जो हम लोग के ज़माने में नहीं था, क्योंकि हम लोग की मानसिकता जो माइंडसेट था वो सिर्फ खेलना होता था देश के लिए और जो उसी के लिए जीतना होता था। अब ये जो लड़के लड़कियाँ हैं दोनों खेलेंगे भी और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उनको मजबूत भी होगा। इससे ये भी होगा कि जिनकी बच्चियां खेल जो लोग रोकते थे लड़कों लड़कियों के, इसमें रखा क्या है, उनको भी हौसला मिलेगा। हाँ, तो यार वहाँ इंटरनेशनल नहीं तो कम से कम लीग खेल लेंगे। हाँ, नहीं, लीग खेलेंगी और आगे भी बढ़ेंगी, लीग खेलेंगी तो उनको चांस भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जो बाहर की लड़कियों के साथ या खिलाड़ियों के साथ दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं खेलने आएंगे तो उनके साथ खेलने में कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है। और ये होता है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, आप किसी गोरे के साथ काम करेंगे तो वो ऐसा नहीं लगेगा हम लोग की खाल की वजह से कि गोरा बहुत अच्छा है। तो हम लोग भी कम नहीं हैं, इंटेलिजेंट हैं, हर चीज़ में आगे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम में कोई कमी नहीं, हम में खुद सोच की कमी है। तो वो सोच की कमी जो है वो दूर करनी है और इससे ही दूर होगी साथ खेल के और काम करके। मुझे याद है 1980 में आखिरी हमने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, उसके बाद बैक टू बैक 2 पदक आए। ये 2 मेडल जो मिला, क्या इससे भी एनर्जी मिली है क्या हमें ये नई शुरुआत करने की? बहुत बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ना, 8 जो ओनर्स हैं सब मिक्स्ड है, सब लोग ग्रुप में आए हैं और वो चाहते हैं कि क्रिकेट के बाद एक ऐसा खेल है जिसको हमको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी की उपलब्धि है इस कंट्री के अंदर। 8 स्वर्ण पदक जीतना और कांस्य पदक जीतना, ब्रॉन्ज मेडल जीतना, तो ये हॉकी ही ने दिया, किसी और खेल ने नहीं दिया अभी तक। तो ये हम इस खेल को अपना ही खेल समझें और उस प्रति और सोच से अगर हम लोग काम करेंगे तो हम
ज़रूर कामयाब। अपना वक्त कितना ज़बरदस्त अब याद आ रहा है जो ये सब देख रहे हैं, जिस तरह से अब पैसे भी आ गए, सब कुछ आ गए, कुछ अपना वक्त नहीं नहीं, हमें कोई बिल्कुल नेवर नेवर एवर कभी हमें ये नहीं लगा, मगर हमें तो बहुत खुशी है कि नए नए प्लेयर्स को पैसा मिलेगा और वो लोग खुश रहेंगे। और लेकिन पैसे से कोई खुशी नहीं खरीद ही सकती। मुझे आप 100 करोड़ दे देंगे तो मैं क्या करूँगा? मैं 2 बिस्तर पे तो सोऊंगा नहीं, या 4 मकान में तो सोऊंगा नहीं, वो और बर्बाद कर देगी रात दिन। तो पैसा भी मिलना एक लिमिटेड उसमें ज़्यादा ठीक रहता है, रात दिन एक्सेस मनी इन्हें डिस्ट्रॉय यू। हाँ तो हर पैसे के ऊपर वो गोल्ड है जो आपका ओलंपिक का मुझे लग रहा है। वो तो उसकी बात ही अलग है, उसकी एक जो सुकून है वो अलग है। और फिर नेचुरली हिंदुस्तान के लिए अगर आप खेलते रहें और कुछ जीता है तो वही हमारी उपलब्धि है, वो पैसे से हमारी उपलब्धि नहीं है। मगर वो तो कहने की बात है, ये सही है थोड़ी गाड़ी खरीद लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, मगर उससे पैसे से सुकून नहीं खरीद सकता। आखिरी सवाल, आप पैसे से आप इज्जत नहीं कमा सकते। बिल्कुल बेशक बेशक, जो वो तो इज्जत देने और लेने वाला तो ऊपर वाला है, ये तो पैसा तो छोटी मोटी चीज़ है ये दुनिया की है। वो 10-20-50 साल रहेंगे, वो भी जब मर जाता वो कहेगा मैं कहाँ, वो तो फेंक जाता है, उसके लिए फेंक जाता है, सब यही रह जाना। जब जो झुनझुन वाले जब मरे थे तो उनके पास तो संपत्ति, तो उसने यही कह के कि पैसे से, यानी पैसा किसी कुछ काम नहीं आया मेरे, यानी उसको जिंदा नहीं कर पाए ना। तो जब आ गई मौत तो फिर जाना ही उसको। अब ये सोचता है कि इतना कमाया फिर ये बर्बाद हो गया या दूसरे लोग ले जाएंगे इसको। तो अच्छा, लोग एक सवाल करते हैं, क्या ये अब ये लीग जो है शंका लोगों में, क्या अब कंटिन्यू रह पाएगी, आपको क्या फ्यूचर लगे? रखना चाहिए, तो हमारी सोच है, हम भी चाहते हैं कि जो जिन्होंने पैसा लगाया है वो भी खुश रहें और अपनी कंपनी का जो भी हिस्सा उन्होंने लगाया, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उनके लिए कोई बहुत रकम नहीं होगा मैं समझता हूँ। अनलाइक क्रिकेट 500 करोड़ 1000, यहाँ तो छोटा 10-20 करोड़ भी लगा, मगर आप ये जो पैसा लगा रहे हो सकता है आप कमाने की सोच में ना होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा देश के लिए लग रहा है, देश के उन्नति के लग रहा है, इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इन पर्टिकुलर सेक्टर स्पोर्ट्स में। तो वो चीज़ अगर नहीं है भाव में तो पैसे से पैसा बनाना तो बहुत आसान है, पैसे को किसी अच्छे काम में लगाना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। उसी को दान बोलते हैं लोग कि भाई दान जो होता है कि वो सोचता दान वाला साला मैं मर जाऊँगा मेरे पास, मगर वो दान तो बढ़ता है किसी दूसरे वे में होता है कि अगर आपने कंट्री के लिए अपने वतन के लिए कुछ किया है तो उसे उसी में खुशी होनी चाहिए, ना कि अगर आप हार गए लूज हो गए तो कह रहा हाय मैं मर गया। तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी कंपनी से 2-4 करोड़ का बहुत बड़ा यानी घाटा नहीं होना चाहिए, और इसमें रिबेट भी मिलता है सरकार की तरफ से जो खर्च करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो हो सकता है उसका भी एडवांटेज उठाना चाहिए। जी शुक्रिया। और ये थे ज़फ़र इकबाल साहब जो बता रहे थे हॉकी इंडिया लीग के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे थे कैसा हो सकता है। साथ साथ बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है कि ये खेल, ये लीग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए, देश के मतलब एक कह सकते हैं देश का जो खेल है उसको बढ़ाने के लिए लीग हो सकती है, ब्राइट फ्यूचर है खिलाड़ियों के लिए, मदद मिलेगी और उत्साह उनका बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।